ये है हवा महल भाई, क्या खूबसूरत नजारा है। एंड दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं जल महल। एंड दोस्तों जो हमारी मेट्रो है वो आ चुकी है और हम लोग अब सफर करने वाले हैं बड़ी चौपड़ के लिए। जो मेट्रो है वो मानसरोवर से आ रही है और जाती है बड़ी चौपड़। लास्ट इसका जो स्टॉपिक है वो बड़ी चौपड़ है। स्टेशन पे आते ही भाई देख सकते हैं सीढ़ी द्वारा भी अपन ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों लिफ्ट द्वारा भी जा सकते हैं। तो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी मैं हूँ जयपुर जंक्शन पे। एंड दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई मेट्रो से किस तरीके से आप हवा महल और जल महल जा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ से भाई 1 किलोमीटर दूरी पे है मेट्रो स्टेशन। एंड दोस्तों जयपुर जंक्शन से 1 किलोमीटर लगेगा जाने में। चलो भाई चलते हैं। भाई देख सकते हैं सामने भाई जयपुर स्टेशन है। एंड दोस्तों यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे जयपुर जंक्शन से, एंड दोस्तों राइट हैंड पे आप थोड़ा सा आगे जाओगे 1 किलोमीटर आगे, तो भाई आपको दिखेगा मेट्रो स्टेशन। एंड दोस्तों देख सकते हैं सामने भाई मेट्रो स्टेशन है। और भाई चलो चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे। एंड दोस्तों वहाँ से लेंगे अपन टोकन, तो भाई टोकन द्वारा अपन जा सकते हैं कहीं पे भी। तो यहाँ पे भाई टोकन उपलब्ध है। सो गाइज अब जाना हमको हवा महल और जल महल। देख सकते हैं भाई अभी ऊपर मेट्रो चल रहा है एकदम, तो ऊपर के साइड में यहाँ पे भाई अंदर। तो गाइज मैं भी पहुंच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर। एंड दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई टिकट कहाँ से लेना है। तो गाइज देख सकते हैं सामने वहाँ से भाई टिकट लेना है, वहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है। चलो भाई टिकट लेते हैं और दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। भाई हम लोग अंदर आ चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये भाई टोकन तो 12 रुपए का मिला है बड़ी चौपड़ का टिकट। और वहीं पे है भाई, तो भाई वहीं पे है हवा महल बड़ी चौपड़ से जैसे आप बाहर निकलेंगे। एंड दोस्तों लेफ्ट हैंड पे है बड़ी चौपड़, तो चलो अब चलते हैं बड़ी चौपड़। एंड दोस्तों यहाँ पे सब कुछ सुविधा एकदम बढ़िया भाई। यहाँ से अंदर आने के बाद घूमना हमको राइट हैंड पे। एंड दोस्तों सामने सब कुछ लिखा हुआ होता है भाई, मानसरोवर जाना है इधर राइट हैंड पे। दोस्तों देख सकते हैं ये सामने का ये बड़ी चौपड़ है भाई, इधर मानसरोवर इधर बड़ी चौपड़, तो हमको जाना है भाई बड़ी चौपड़। और आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों लिफ्ट से भी आ सकते हो ऐसे हम लोग। दोस्तों हम लोग आ गए हैं बड़ी चौपड़ के लिए जा रहे हैं। दोस्तों सीढ़ी अभी स्टार्ट है, कभी कभी सीढ़ी भी बंद होता है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट ऊपर। एंड दोस्तों जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, एंड दोस्तों वहाँ पे ऊपर की ओर बना हुआ है रेलवे स्टेशन, और यहीं पे भाई हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे और डायरेक्ट उतरेंगे बड़ी चौपड़। और बड़ी चौपड़ के पास में गाइस है जो हवा महल। यहाँ से जयपुर जंक्शन में गाइस 1 किलोमीटर है। एंड दोस्तों देख सकते हैं सामने है जयपुर जंक्शन, और जयपुर जंक्शन से मात्र हम लोग 1 किलोमीटर दूरी पे आए हुए हैं। और देख सकते हैं भाई ये मेट्रो जंक्शन, और ये देख सकते हैं रेलवे भाई भारतीय रेलवे ट्रेन है जो कि भाई नीचे नीचे जा रहा है, और इसके जस्ट कम से कम 7-8 मंजिल के ऊपर भाई बेड बना हुआ है मेट्रो स्टेशन। हाँ तो भाई देख सकते हैं भाई हमारी मेट्रो ट्रेन आ चुकी है। एंड दोस्तों अब चलो चलते हैं मेट्रो के अंदर। सो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरीके का भाई दिखता है जयपुर मेट्रो। अभी मैं मेट्रो के अंदर जाने वाला हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मेट्रो अंदर का नजारा है। देख कितने सारे भीड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो मेट्रो है वो मानसरोवर से आ रही है और जाती है बड़ी चौपड़। लास्ट इसका जो स्टॉपिक है वो बड़ी चौपड़ है, और जो हमें जाना है वो हवा महल, वो बड़ी चौपड़ में जाना है वो देख सकते हैं। तो आपको ग्रीन बत्ती जो देख सकते हैं यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है, और वो इसके बाद है सिंधी कैंप। तभी हम जब पहुँचने वाले हैं सिंधी कैंप, जो हर 5 मिनट में पहुँचा देते हैं आपको। रेलवे स्टेशन से बड़ी चौपड़ जो है 7 या 8-10 मिनट लगेंगे मेट्रो स्टेशन से जाने में। अगर आप रिक्शे से जाते हो तो आपको 15 मिनट लग जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं सिंधी कैंप, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग बड़ी चौपड़ भाई आ गए हैं मेट्रो पे स्टेशन पे। दोस्तों देख सकते हैं बाहर भाई इस तरीके का नज़ारा है। भाई बाहर मेट्रो स्टेशन पे आते ही भाई देख सकते हैं सीढ़ी द्वारा भी अपन ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों लिफ्ट द्वारा भी जा सकते हैं। अपन चलते हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई जल महल किस तरीके से और हवा महल किस तरीके से अपन घूम सकते हैं। एंड दोस्तों बिल्कुल बड़ी चौपड़ के बाहर ही हवा महल है। अभी हम लोग सिटी से भाई ऊपर जा रहे हैं, और भाई ये भाई मेट्रो स्टेशन जो बना हुआ है वो है भाई कम से कम 3 से 4 मंजिल नीचे की ओर। सो गाइस अभी हम ऊपर आ चुके हैं। एंड दोस्तों अब टोकन हम यहीं पे जमा करेंगे। एंड दोस्तों अब जाएंगे हम लोग हवा महल के पास। देख सकते भाई टोकन यहीं पे जमा होगा, लाइन में भाई लगे हुए हैं सब लोग। चलो अब टोकन जमा करते हैं और भाई निकलते हैं अब यहाँ से बाहर। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पे। हाँ तो गाइस टोकन डाल के हम लोग अभी आ चुके हैं बाहर जाने वाले कुछ ही देर में। एंड दोस्तों कुछ ज़्यादा ही गाइस अंडरग्राउंड में बना हुआ है मेट्रो ट्रेन मेट्रो जंक्शन। चलो भाई हम बाहर आ चुके हैं।
अब यहाँ पे हर जगह सिटी भाई लगा हुआ है चलने वाला। हम लोग अभी बड़ी चौपड़ पे आ चुके हैं दोस्तों, बाहर का देख सकते हैं भाई कुछ इस तरीके का नज़ारा है, बहुत ज़्यादा गाइस भीड़ भाड़ है एकदम। और बाहर आते ही भाई देख सकते हैं सामने भाई दिखता है हवा महल, तो भाई देख सकते हैं वो सामने हवा महल। चलो भाई दिखाता हूँ मैं आपको हवा महल का नज़ारा किस तरीके का है। एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाइस विदेशी आते हैं, तो भाई यहाँ पे हरदम यानी कि डे नाइट आप अगर कभी भी आओगे तो यहाँ पे भाई इतना ही भीड़ मिलेगा आपको। सामने देख रहे हैं हवा महल भाई, खूब लोग आते हैं हवा महल का फ़ोटो लेते हैं और यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग मेट्रो में सफ़र करके आ गए हैं हवा महल के जस्ट सामने। एंड दोस्तों जैसे ही आप बड़ी चौपड़ पे बाहर निकलोगे मेट्रो स्टेशन से, एंड दोस्तों जस्ट सामने देख सकते हैं भाई ये है हवा महल भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है। एंड दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं जल महल। एंड दोस्तों यहाँ से भाई 20 रुपये लगता है, आप अगर बैटरी रिक्शे से जाओगे या फिर टोटो से जाओगे तो भाई मात्र 20 रुपये में आपको पहुँचा देगा जल महल के लिए। तो भाई चलो चलते हैं अब जल महल। एंड दोस्तों 5-6 किलोमीटर का सफ़र करके आपको जाना होगा जल महल के लिए। चलो भाई चलते हैं अब जल महल। एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो भाई बाहर से लोग आया करते हैं भाई, यहाँ पे भीड़ भाड़ है जो भाई हमेशा इस तरीके से ही रहा करता है। और भाई देख सकते हैं हवा महल का नज़ारा भाई कुछ इस तरीके का है। तो भाई हवा महल जस्ट सामने, और हवा महल के जस्ट सामने का देख सकते हैं एक कैफे है, और यहाँ पे भाई कैफे में बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे आ चुके हैं RR मूवी का भाई यहीं पे आए थे सब लोग उद्घाटन करने के लिए। एंड दोस्तों गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस